हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ठीक है, समुच्चय आर रिलेशन दिया हुआ है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की दूरी से दूरी के समान दिया हुआ है, ठीक है, और प्रदत्त जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, अभी जस्ट रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पुनः फिर से हमको शो डेट करना है कि बिंदु पी नॉट इक्वल टू 0 0, 0 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, मूल बिंदु से सभी बिंदुओं के समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट्स पे है, ठीक है दोस्तों। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस यही है, जैसे आप सुनिए कि ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, सर्कल, तो सेट ए पॉइंट इन प्लेन। तो ऐसे ही या सर्कल को नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक पॉइंट क्या दिया है, ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से दो पॉइंट्स है, समझिए एक P है और एक क्या दिया हुआ है, Q, यहाँ से P, यहाँ से Q, और ये आपका हो जा रहा है ओरिजिन पॉइंट। ये तो पूरा ये तो सेट A में, पूरा सेट A में दिया हुआ है। तो ये मेरा हो गया ओरिजिन पॉइंट। देखिए ओरिजिन पॉइंट्स यानी कि ओरिजिन पॉइंट से ये जो P का डिस्टेंस है और यहीं से Q का डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, ईच अदर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। या कुछ क्या है कि देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, यहाँ से देखिए फ्रॉम पी ओरिजिन, ठीक है, द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो क्यू का, दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम यानी कि इक्वल दिया हुआ है, और इस केस को, ठीक है, अब इसी पॉइंट्स को हमको इक्विवेलेंट दिखाना है, इक्विवेलेंट शो करना है, ठीक है दोस्तों। तो जब इक्विवेलेंट शो करना है हमको, तो इक्विवेलेंट दिखाएंगे कैसे इक्विवेलेंट हो। तो इक्विवेलेंट में क्या लेके चलना पड़ेगा, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब हम दिखाते हैं, तो यहाँ पर पहले जो रिलेशन दिया हुआ है हम उसको देखते हैं कि रिलेशन क्या हुआ है, क्या दें। तो रिलेशन ये है कि पी कोमा क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए इसी बात को जो मैंने अभी क्वेश्चंस में बताया, ठीक है, ये आप यहाँ पे अच्छे समझ रहे हैं कि ये ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अगर यहाँ से यहाँ 4 मीटर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, और ओरिजिन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं O के थ्रू, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट O से और Q का डिस्टेंस भी कितना है, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर में, तो O भी हो सकता है, दोनों सेम है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखे हैं। तो जब सेम है तो ये तो क्लियर हो गया, जब सेम दिया हुआ है तो क्लियरली हमको क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम इधर वाले पॉइंट को यानी कि जो लेफ्ट साइड में पॉइंट दिया है उसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पी दिया हुआ है, तो पी कॉमा पी यानी कि पी का पी के साथ रिलेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दूरी बराबर है तो पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर यानी कि पी का पी के साथ रिलेशन बन रहा है सिंस, ठीक है,
तो सिंस में आप जस्ट इसी स्टोरी को लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है, तो यही स्टोरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज। देखिए ये क्या है, सेम है, जब सेम है तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो इसी को यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं कि ओरिजिन इज ऑलवेज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए जब सेम पॉइंट है और हमको सेम लेना है, पी और पी का रिलेशन बनाना है, तो पी पी ही लिखना पड़ेगा ना, कि हम उसको पी के क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में रिलेशन बन गया, देयरफॉर आर इज क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हम दूसरा क्या मानते हैं कि P और Q जब सेम पॉइंट पे है, यानी कि रिलेशन बन रहा है, जब रिलेशन बन रहा है सेम पॉइंट्स पे हैं, देन तो Q और P का भी रिलेशन बनेगा, क्या होगा, P और Q के साथ भी रिलेशन आपस में बनेगा। जब रिलेशन बन जा रहा है इसी के जैसा, जैसे सेम लिखे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये स्टोरी हो गया, देखिए पी क्यू के बराबर है, पी और क्यू का रिलेशन बन रहा है, तो क्यू और पी के साथ भी रिलेशन बनेगा। जब रिलेशन बनेगा तो ये आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, आर सिमेट्रिक हो गया। फिर हमको अब दिखाना है ट्रांजिटिव, फिर से हम मानते हैं, नाउ लेट पी का क्यू के साथ रिलेशन बन रहा है एंड क्यू का अगला हम पॉइंट मान लेते हैं आर के साथ रिलेशन बन रहा है, पी क्यू का रिलेशन और क्यू और एस के साथ रिलेशन, यानी एक पॉइंट और जुड़ गया एस, तो देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, देन क्या हो गया यहाँ पे, पी और एस के साथ भी तो रिलेशन बनेगा, पी और एस के साथ भी रिलेशन बनेगा, देयरफॉर देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, आर ट्रांजिटिव हो गया, हेंस हमको दिखाना था इक्यू बैलेंस, हेंस आर इज इक्यू वैलेंस रिलेशन, ये मेरा प्रूव्ड हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन हमको प्रूव करना है, हम उसको देखते हैं, इसी में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 11 नंबर में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिखाते हैं ये, कि एक क्वेश्चन तो हो गया कि हमको इक्विवेलेंट सो डेट करना था, इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है,
सो इक्विवेलेंट। फिर देखिए फर्दर दिया हुआ कि फर्दर आगे सो दैट क्या करना है कि ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट्स, अब पॉइंट्स जो रिलेट कर रहा है कि पी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो जीरो ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो सर्कल बनाए हैं ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ठीक है, तो इसको ओ द्वारा, लेकिन जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कुछ भी लेते हैं तो उसमें जीरो 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 दो होता है, ठीक है, जैसे एक्स और वाई है तो ये ओरिजिन पॉइंट एक्स और वाई का हो जाता है। ये जीरो जीरो इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन, ठीक है, एज सेंटर, तो एज सेंटर के रूप में जो पास करता है एज सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल पास करता है और यहाँ पे अगर ओरिजिन पॉइंट क्या है जीरो जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट्स पी, ठीक है ना, ऐसे पास करता है। तो इसको अब हमको दिखाना है, तो हम देखते हैं अगला पॉइंट्स इसका क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू जीरो ओ ओ, ठीक है, विल बी दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस whose distance from the origin is the same as the distance of point P from origin। तो जो क्वेश्चंस में जैसे दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चंस में दिया हुआ था यही है कि ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड, ठीक है, ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेशन हमको दिखाना है कि डज नॉट रिलेट, डज नॉट, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है किस, जीरो जीरो यानी कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट से, विल बी दोज पॉइंट हुज, ठीक है, वे पॉइंट्स, तो दोज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज, इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से, ठीक है, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, यानी कि एक सर्कल जैसे हम बनाए थे आपको दिखा रहे हैं, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये सर्कल, जैसे ऐसे मान के चलिए कि अगर सर्कल जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्कल जा रहा है, तो ये ओरिजिन पॉइंट और ये सर्कल, तो सर्कल से और ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट्स पी हो रहा है और ये ओरिजिन पॉइंट्स यहाँ पे ओ, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस और इसमें जो डिस्टेंस और इसके अगर बीच के, अगर हम यहाँ से अगर कोई सर्कल लेते हैं तो इसके बीच से, ठीक है, जो पॉइंट्स गुजरता है और ये अब ओरिजिन पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये इसके हाफ और ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी, अब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन्स, ठीक है। अब हम क्या, दूसरे शब्द में हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि सेकेंड वे में हम क्या लिख सकते हैं कि इफ, देखिए ओ दिया हुआ है यानी कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को किसके किसके थ्रू, यानी कि ओ ओरिजिन पॉइंट्स ओ से डिनोट करते हैं, तो यही है ओ, जीरो 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 इज द ओरिजिन एंड
अब देखिए, अब ओ से पी यानी कि ये सर्कल है, ठीक है, ये ओ है, ये समझिए पी है, यानी कि ओ से पी या ओ से पी, ओ पी इक्वल टू क्या लेते हैं के, ओ पी क्या ले लिए के, अगर हम मान लिए, ठीक है, जब के ले लिए देन देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, यानी कि देखिए दस वो जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, और सेट्स के जितने भी ऑल द पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू पी इज एट द डिस्टेंस ऑफ के, यहाँ पे ओ से और पी को हमने क्या मारा, क्या माना, और यहाँ से और यहाँ तक में जो सेट्स बनता है यानी कि जो भी पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसी चीज़ को लिखे हैं कि एट द डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम द ओरिजिन, और ये ओरिजिन से और ये जो डिस्टेंस है वो के का है, तो हैंस हैंस कि दिस सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन एज द सेंटर एज द ओरिजिन एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट पी, ठीक है, तो ये चीज़ दिखाना है कि ओरिजिन से अगर जो पॉइंट्स निकला हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है और यहाँ से अगर जो सर्कल लेंगे तो पॉइंट्स पी से क्या करता है, पास करता है, ठीक है, यानी जब पॉइंट्स पी से पास करेगा तो जाहिर सी बात होगा कि पॉइंट्स जो पी का वैल्यू जो भी होगा वो जीरो जीरो के बराबर नहीं होगा। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि देखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ में भी पढ़े होंगे और थोड़े एक बार हम आपको रिमाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ओ ओरिजिन पॉइंट यानी कि जीरो जीरो, ठीक है, और इधर पॉइंट्स क्या है, पी है, इधर पॉइंट्स पी है, तो यही पॉइंट्स जीरो जीरो से और पॉइंट्स जो पी है इसका जो कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनता है 1 2 3 4 5 जो भी दिया हुआ है, मान के लिए 5 है तो एक तो 5 बन गया पी एक्स का वैल्यू, लेकिन वाई का वैल्यू क्या बना, जीरो, यानी कि 5 क्या हुआ, जीरो, ठीक है। अगर हम पी को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो अगर एक वैल्यू अगर जीरो रहता है तो दूसरा वैल्यू कुछ ना कुछ रहता है 5 6 8 कुछ भी रहेगा, लेकिन कुछ भी रहेगा वो पॉइंट्स पी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही शो करना है कि जो जीरो जीरो यानी जो ओरिजिन पॉइंट्स हैं वो पी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पी के जब पी से पास करता है, यहाँ जो सर्कल हम बनाएंगे ओरिजिन पॉइंट ओ से, जब पी से पास करता है तो जाहिर सी बात है ओरिजिन पॉइंट जो जीरो जीरो है उसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा। तो बस हमको यही प्रूव करना था, बस इसको वर्ड्स में लिख दिए हैं, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11th क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सो डैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल एज आर रिलेशन T1 और T, ट्रायंगल टी यानी कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2 यानी कि ट्रायंगल T1 और T12 दोनों क्या है, सिमिलर है, तो हमको दिखाना है इज इक्विवेलेंट रिलेशंस, कि ये इक्विवेलेंट रिलेशंस में है, ठीक है।
तो इक्विवेलेंट रिलेशंस में जब है तो यहाँ से सॉल्व में देखते हैं तो रिलेशंस को पहले हम लिखते हैं कि रिलेशंस आपका टी वन और टी टू, तो है कि टी वन इज सिमिलर टू टी टू। ठीक है, देखिए देखने से क्वेश्चंस को ही देखने से पता चल जा रहा है, आप समझ जा रहे होंगे कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर हमको दिखाना है तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों का साइज आपस में क्या हो, यानी कि लेंथ बराबर भी हो सकता है, ठीक है, तो लेंथ बराबर भी हो सकता है और लेंथ बड़ा 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 या छोटा भी हो सकता है, बट जो उसका स्ट्रक्चर होगा यानी कि जो ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, सेम होगा क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर यानी होता ही है बराबर। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में तो हमको यही दिखाना होता है ना कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, तो टी वन कॉमा क्या हो जाएगा, टी वन बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर, यानी कि टी वन का टी वन के साथ क्या है, रिलेशंस बन रहा है, ठीक है। तो जब टी वन का टी वन के साथ रिलेशन बन रहा है तो हम यहाँ तो दे सकते हैं कि टी वन इज सिमिलर टू टी वन, ठीक है, टी वन इज सिमिलर टू टी वन, यानी ऐसे भी हो सकता है, या अगर हम दूसरे तरीका से कहें, दूसरे तरीका से भी हम इसमें दे सकते हैं कि सिंस एवरी, ठीक है, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इट सेल्फ। देखिए इट सेल्फ से क्या होता है, तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इट सेल्फ, यानी कि एवरी ट्रायंगल अगर इसी ट्रायंगल को ले और इसी से तुलना करें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो हम यही दिखाएंगे टी वन कॉमा टी टू, यानी कि टी वन का टी वन के साथ रिलेशंस बन रहा है, जब टी वन के साथ रिलेशन बन रहा है देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम दूसरा स्टेप में चलते हैं कि नाउ लेट टी वन कॉमा टी टू, यानी कि टी वन और टी टू का रिलेशन बन रहा है जो जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि टी वन इज सिमिलर टू टी टू, यानी जब दोनों सिमिलर है तो टी वन का टी टू के साथ रिलेशन बन रहा है, देन जब सिमिलर है तो टी टू का टी वन के साथ भी रिलेशंस बनेगा, ठीक है, यानी कि टी टू इज सिमिलर टू टी वन जब सिमिलर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब हम तीसरा पॉइंट्स नाउ लेट, यानी कि रिफ्लेक्सिव की ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं, तो जब टी वन कॉमा टी टू, यानी कि टी वन टी टू का रिलेशन बनता है एंड टी टू और टी थ्री के साथ भी रिलेशंस बन रहा है, ठीक है, टी वन और टी टू के साथ रिलेशन बन रहा है, टी टू और टी थ्री के साथ भी क्या बन रहा है, रिलेशंस बन रहा है, यानी ये तो टी वन इज सिमिलर टू टी टू, यहाँ पे हो सक, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि टी टू इज सिमिलर टू टी थ्री, देन जब सिमिलर है टी टू, देखिए ये टी टू टी थ्री क्या सिमिलर, यानी कि टी वन और टी वन टी टू के सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि टी वन कॉमा टी थ्री, ये रिलेशन आपस में दोनों टी वन और टी थ्री भी रिलेशंस बनाएगा आपस में, यानी कि टी वन इज सिमिलर टू टी थ्री, ठीक है, जब ये रिलेशंस बना लिया तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज क्या हुआ, ट्रांजिटिव।
दोस्तों आई थिंक आपको आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहेंगे और इजीली तरीके से आ रहेंगे, बहुत ही इजी। सब में एक ही चीज़ है इस चैप्टर में, जो एक्सरसाइज 1.1 दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, किसी में बस थोड़ा सा चेंजिंग है, नहीं तो किसी में चेंजिंग नहीं भी है। और अब क्वेश्चन नंबर जैसे एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, हेंस हमको भी यहाँ इक्विवेलेंट दिखाना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। इसमें भी दो क्वेश्चंस है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस है इसी में कि कंसीडर करना है हमको, क्या करना है कंसीडर। देखिए क्वेश्चंस, अब देखिए ये कंसीडर दिया है कि थ्री राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर में थ्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, आपको एक एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ये थ्री राइट एंगल ट्रायंगल, और तीनों का साइड्स दिया हुआ है। जो फर्स्ट यानी कि T1, ये होगा आपका T2 और ये T3। तो T1 का जो साइड दिया हुआ है वो है आपका 5, 3, 4। T2 का दिया हुआ है ये हो जाएगा 13, 12, यहाँ पे कर सकते हैं 5। T3 है 10, 8, 6, ऐसे कुछ ऐसे साइड हो जा रहे हैं, तो ये साइड हो गया, ठीक है। तो ये साइड है, कंसीडर करना है थ्री राइट एंगल ट्रायंगल, और साइड्स दिए हुए हैं। T1 का आपका साइड्स है 3, 4, 5 दिया हुआ है, और T2 का 5, 12, 13, और T3 का दिया हुआ है 6, 10, 8। फिर देखिए इसमें क्या है कि विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, यानी कि T1, T2 और T3 क्या रिलेट है, एक दूसरे से क्या है संबंधित है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व डैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए रिलेशन एक का और तीन के साथ रिलेशन 3/6, ये अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया था, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का बेस के साथ, और हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ रिलेशन करते हैं। 4/8 इक्वल टू 5/10, 3/2 = 6, 4/8, 5/10, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू कितना 1/2। यहाँ पे देखिए रेशियो क्या हुआ, तीनों का रेशियो सेम आया, यानी कि 1 और 3 क्या है आपस में रिलेट है, और सेकेंड क्या है रिलेशन नहीं है। तो ये ही चीज देयर फोर द कोरेस corresponding the corresponding sides of triangles T1 and T3 are in the same ratio, ठीक है, ये same ratio में है, then triangle T1 is similar to triangle T3. T1 और T3 क्या है आपका सिमिलर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब सिमिलर हो जा रहे हैं तो हेंस T1 is दे रहे हैं कि T1 is related to T3, ठीक है। ये हमको कंसीडर करना था, ये कंसीडर हो गया और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन अच्छे से आप समझ होंगे।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके। और जो भी कन्फ्यूजन है आप दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस को और जो भी डाउट होगा आपको सॉल्व करने का अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से समझ सके, क्योंकि टारगेट बैच चला रहे हैं ठीक है, और हमको 90 प्लस स्कोर लाना है, सो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर, 13-14 को लेकर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।